इस बीच एक बड़ी खबर, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का बड़ा बयान। सौरभ ने बीसीसीआई से नहीं दिया है इस्तीफा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, जो कि ये बता रही है कि सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई से इस्तीफा नहीं दिया है। जय शाह का बयान आया है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनके तरफ से ये बड़ा बयान आया है। अब इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि इससे पहले ये सामने आया था कि बीसीसीआई से सौरभ गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि मैं एक नई इनिंग की शुरुआत करूंगा, लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा, उसका इंतजार कीजिए। क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब विरोधाभास आ रहा है सौरभ गांगुली के इस्तीफे को लेकर। सबसे पहले गांगुली ने ही ट्वीट करके राजनीति में आने के साफ संकेत दे दिए और यह भी कहा कि लोगों की भलाई के लिए नई इनिंग की शुरुआत में कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि लोगों का समर्थन मुझे हमेशा से पहले की तरह मिलता रहेगा। आगे भी मेरे जीवन का यह नया अध्याय होगा। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने कहा कि उन्होंने बीसीसीआई से इस्तीफा ही नहीं दिया है। तो ऐसे में यह विरोधाभास नजर आ रहा है, या फिर उनके इस्तीफे को मंजूर ही नहीं किया जा रहा, या फिर उनके पास इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या सच है, यह सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। सौरभ ने क्या बीसीसी से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि खुद उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, राजनीति में आने के साफ संकेत दे दिए हैं। अब सच क्या है, इसे लेकर क्रिकेट और राजनीति के गलियारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोगों की भलाई के लिए नई इनिंग मैं शुरू करूंगा, मुझे उम्मीद है कि लोगों का समर्थन मुझे मिलता रहेगा, ये मेरे जीवन का नया अध्याय होगा। लेकिन इससे कुछ देर बाद ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई से इस्तीफा नहीं दिया है, सौरभ गांगुली अभी भी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सच क्या है, क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने क्या सोचकर यह ट्वीट किया, क्योंकि वो तो इंडिकेट कर रहा था कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नई पारी की शुरुआत करेंगे, नई इनिंग की शुरुआत करेंगे, लोगों की भलाई के लिए आएंगे। लेकिन इसके बाद ही जो बयान आया बीसीसीआई सेक्रेटरी का, वो विरोधाभास खड़ा हो रहा है, उससे विरोधाभास खड़ा हो रहा है, लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं और कोई भी स्थिति जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रही। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सौरभ गांगुली या फिर बीसीसीआई, या फिर सौरभ गांगुली या फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी के बीच में कोई असमंजस की स्थिति है या मिसकम्युनिकेशन है, आखिर क्या वजह है, यह सवाल अब खड़ा हो रहा है।